वेलकम टू माई चैनल नीमाज कॉर्नर और मैं हूँ नीमा। आज के वीडियो में मैं आपके साथ पांच बहुत ही ब्यूटीफुल से स्लिंग बैग्स शेयर करने वाली हूँ। बहुत ब्यूटीफुल है, जी हाँ, बहुत ज़्यादा। सबसे पहले बात करती हूँ इसकी, यह है एक होलोग्राफिक बैग। होलोग्राफिक बैग मुझे बहुत अच्छे लगे। मेरे पास एक वाइट कलर का, मैंने अभी कुछ दिन पहले आपके साथ शेयर किया था, इतना पसंद आया मैंने अब एक दूसरे कलर में मंगवाया है और दो और मंगवाए हैं डिफरेंट डिफरेंट कलर्स में। इसका कलर आप देख सकते हो, बहुत ही प्यारा है। साइज़ की अगर मैं बात करूँ, ये परफेक्ट है एवरीडे यूज़ के लिए। इसे आप इस तरीके से ट्विस्ट करते हो, यस, और ये ओपन हो जाता है। स्पेस की अगर मैं बात करूँ तो इसका स्पेस मैं आपको दिखा देती हूँ। इसमें स्पेस काफ़ी अच्छा है, सिंगल पॉकेट आपको इसमें मिलती है और स्लिंग के लिए आपको ये पूरी चेन भी मिल जाती है। काफ़ी प्रिटी मुझे लगा है। इसमें आपको एक पॉकेट ये मिलती है और एक यहाँ पर और एक्स्ट्रा पॉकेट मिल जाती है। इसकी लुक बहुत ज़्यादा अच्छी है, यूज़ करने के बाद तो प्यार हो जाएगा आपको इससे। क्वालिटी बैग की काफ़ी ज़्यादा अच्छी है और कलर आप देख सकते हो, इसमें काफ़ी सारे कलर्स अवेलेबल हैं, डेफिनेटली ट्राई ज़रूर करना। सेकंड बैग की अगर मैं बात करूँ तो ये वाला बैग आप देखो, इसकी शेप काफ़ी अच्छी है। नॉर्मली जो राउंड बैग होता है उनके साथ दिक्कत यही होती है कि उसे आप ना स्टैंड नहीं कर सकते, तो ये क्या है, ये सेमी सर्कल आप इस तरीके का मिलता है आपको, नीचे की तरफ बेस भी मिलता है, तो आप आराम से अपने बैग को खड़ा भी कर सकते हो। ये अगर मैं आपको दिखाऊँ ना, तो इसमें आपको दो पॉकेट्स मिलती हैं, एक आगे एक पीछे, और दोनों में ही डबल डबल चेन भी है। मैं आपको दिखाती हूँ इसे ओपन करके। इसमें आपको मिलती है एक बड़ी वाली स्लिंग, हाथ से पकड़ के हैंड बैग बनाना चाहो तो वैसे भी यूज़ कर सकते हो, और अगर स्लिंग बैग की तरह यूज़ करना चाहते हो तो वैसे भी यूज़ कर सकते हो। मैं आपको दिखाती हूँ, यार पॉकेट इसकी बहुत बड़ी है, पर ये एक चीज़ मैं आपको दिखा देती हूँ, ये सिंगल तरफ से ही आप कह सकते हो, ये एक ही पॉकेट है, तो आप एक तरफ से इसे हमेशा बंद रखिएगा और दूसरी तरफ से ओपन करके सामान रख सकते हो। अगर आप दोनों तरफ से खोल दोगे तो सारा सामान या तो इधर गिरेगा या इधर गिरेगा। तो ये क्या है, इसमें बीच में कोई भी कपड़ा नहीं लगा हुआ है। कपड़ा लगा होता तो शायद ज़्यादा अच्छा होता, बट लुक वाइज बहुत ज़्यादा अच्छा लगा है मुझे ये बैग, और क्वालिटी बैग के फैब्रिक की बहुत ज़्यादा अच्छी है। इसके साथ आपको ये बड़ा वाला स्लिंग भी मिलता है, तो इसे आप यहाँ पर लगा दीजिए और ये आपका बड़ा स्लिंग बैग बन जाएगा। इसमें भी कलर्स और भी अवेलेबल हैं, अगर आप ट्राई करना चाहते हो तो जो भी बैग मैं आपको दिखा रही हूँ ना, उन सबके लिंक आपको मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आज जो मैं पांच बैग आपके साथ दिखा रही हूँ उसमें से तीसरा वाला है ये। इसे आप एज अ हैंड बैग भी यूज़ कर सकते हो और स्लिंग बैग भी यूज़ कर सकते हो। इसकी क्वालिटी बहुत ज़्यादा अच्छी है, ये आप देखेंगे इस तरीके से ओपन होता है। इसमें आपको दो पॉकेट्स मिलती हैं, मैं आपको दिखाती हूँ इसे ओपन करके। रेगुलर यूज़ के लिए अगर आपको कोई अच्छा बैग चाहिए, हैंड बैग अगर आप यूज़ करते हो, आपको कोई स्लिंग बैग चाहिए तो आप इसे यूज़ कर सकते हो। जैसे मैं अपने बच्चों को स्कूल लेने के लिए जाती हूँ तब मुझे पर्स चाहिए होता है जिसमें मैं अपना फ़ोन रख लूँ और पैसे वगैरह रख लूँ, पर मुझे वो चीज़ हाथ में पकड़ने में बड़ा इरिटेशन होता है। तो ये चीज़ बहुत अच्छी है कि आपका सारा सामान भी इसमें आ जाएगा और आप इसे स्लिंग बैग की तरह टांग भी सकते हो, और ये बहुत बड़ा भी नहीं है साइज़ में। ये आप देखेंगे इसमें आपको एक पॉकेट यहाँ पर मिलती है जिसमें पीछे कार्ड होल्डर भी मिलते हैं, दूसरी पॉकेट आपको यहाँ पर मिलती है जिसमें पार्टीशन भी है और बीच में जिप भी है, तो सामान इसमें बहुत सारा आपका आ जाएगा। इसके अलावा आपको यहाँ पर आगे रखने के लिए भी पॉकेट मिलती है, मतलब जैसे मेट्रो में ट्रैवल कर रहे हो तो मेट्रो कार्ड वगैरह आप रख सकते हो। स्लिंग आपको इसके साथ मिलती है जिसे आपने यहाँ पर अटैच कर लेना है, तो ये आपका पूरा स्लिंग बैग बन जाता है। हैंड बैग की तरह भी यूज़ कर सकते हो और स्लिंग बैग की तरह भी यूज़ कर सकते हो, दोनों ही तरीके से बहुत मस्त लग रहा है। एक मैंने मंगवाया है अपने लिए पार्टी वेयर बैग, ये आप देखिए। ये एक्चुअली मैंने मंगवाया है, मेरे एक लहंगे से मैचिंग बैग मुझे चाहिए था, मैं सोच रही हूँ राखी पे वाला लहंगा पहनने की, तो मैंने इसलिए इसे मंगवाया है। ये काफ़ी प्यारा है, देखो क्लचेस मेरे पास बहुत सारे हैं बट लेटेस्ट कोई डिज़ाइन आ नहीं रहा था तो इसलिए मैंने नहीं मंगवाया, बट ये वाला डिज़ाइन मुझे थोड़ा न्यू लग रहा था तो मैंने मंगवा लिया इसको। इसमें आपको अंदर की तरफ पूरी फैब्रिक लगी हुई मिलती है और इसमें भी आपको पूरी चेन मिलती है, तो आप इसे स्लिंग बैग की तरह भी यूज़ कर सकते हो और हैंड बैग की तरह भी यूज़ कर सकते हो। अगर मैं आपको ये नज़दीक से दिखाऊं तो इसमें सीक्वेंस भी लगे हैं, मोती वर्क भी लगे हैं और पूरा थ्रेड वर्क भी हो रखा है, बहुत ही प्यारा मुझे ये लगा है। इसके स्टोन वर्क जो होता है ना, वाइट स्टोन लगे हुए हैं, इनकी शाइन बहुत अच्छी है। यहाँ पर आपको वो मिलते हैं जो प्लास्टिक वाले वो होते हैं ना पाइप्स, उस तरीके के लगे हुए हैं। लुक इसकी बहुत ज़्यादा अच्छी है, कलर ऑप्शंस आपको डेफिनेटली बहुत सारे मिल जाएंगे। यहाँ पर एक बड़ा सा डायमंड का लुक अलाइक लगा हुआ है, स्टोन, बहुत प्यारी लुक है इसकी। इस
बैग में आपका फ़ोन वगैरह आराम से आ जाएगा। मैं नहीं बोलूँगी बहुत सारी चीज़ें आ जाएंगी, नहीं भाई, साइज़ देख लो आपका फ़ोन, लिपस्टिक और कॉम्पैक्ट, अगर आप ये सब चीज़ें रखते हो तो ये आ जाएगा इसमें आराम से। बहुत ही प्यारा मुझे तो लगा है ये। बैक साइड से बिल्कुल प्लेन है, तो जब आप इसे कैरी करते हो ना तो ये आपके कपड़ों में फंसता नहीं है। अगर दोनों साइड से डिज़ाइन होता ना तो यही प्रॉब्लम मुझे लगती है कि मेरे लहंगे पे, मेरी साड़ी पे, मेरे सूट पे वो चीज़ फंसती है। तो यहाँ पर ऐसा नहीं होगा, डिज़ाइन सिर्फ एक तरफ है, दूसरी तरफ बिल्कुल प्लेन है, तो आपको पकड़ने में भी अनकम्फर्टेबल नहीं होगा और आपके कपड़ों में ये फंसेगा भी नहीं। तो डेफिनेटली आप इसे भी ट्राई कर सकते हो। पांचवा बैग जो मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ ये थोड़ा सा बड़ा होने वाला है और लाइफ में फर्स्ट टाइम मैंने फास्ट ट्रैक का बैग मंगवाया है। इसका साइज़ काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, तो अगर आपको ऑफिस के लिए भी एक पर्स चाहिए तो आप इसे ट्राई कर सकते हो। मैंने ये मस्टर्ड कलर में मंगवाया है। ये आप देखेंगे इसका स्पेस काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। ये आप देखिए काफ़ी कुछ आप इसमें रख सकते हो। यहाँ पर आपको बैक साइड में एक जिप मिलती है जिसका साइज़ काफ़ी अच्छा है। यहाँ पर आपको फ्रंट साइज़ में दो पॉकेट्स मिलती हैं जिसमें आप छोटा मोटा सामान रख सकते हो अलग से। इसमें बैक साइड में कोई पॉकेट नहीं है, फ्रंट साइड में भी कोई पॉकेट नहीं है, तो जो भी आपको सामान रखना है वो इसके अंदर ही रखना है। जिप मिलती है आपको और बैक के फैब्रिक की क्वालिटी बहुत ज़्यादा अच्छी है, तो डेफिनेटली आप इसे ट्राई कर सकते हो अगर आपको एक अच्छा स्लिंग बैग या फिर ऑफिस बैग चाहिए तो। पांचों बैग के लिंक मैं आपको दे रही हूँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, अगर आप ट्राई करना चाहते हो तो डेफिनेटली ट्राई ज़रूर कर लेना। पांचों के लिंक मैं आपको दे रही हूँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ट्राई करना चाहते हो तो डेफिनेटली आप पांचों को ही ट्राई कर सकते हो। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, ओके बाय।